देखो इंडिया के सामने आप बॉलिंग कर रहे हो, इंडिया बैटिंग कर रहा हो, तो वो छोटे मार्जिन से आपको स्कोर देगा, ये हो ही नहीं सकता। ऊपर से बांग्लादेश की बॉलिंग इंडिया के सामने, यार देखो 196 का टारगेट दिया है बांग्लादेश को, कहाँ से चेज हुआ इनसे, 135 में सारी टीम इनकी आउट हो गई है। ये बांग्लादेश की टीम का हाल है, मतलब इंडिया की टीम का मुकाबला करने जा रहे हो और आप उनसे इतना बड़ा टारगेट ले रहे हो। जब इतना बड़ा टारगेट मिलेगा तो आपकी तो वैसे भी हवा ठुस हो जाएगी। आज बांग्लादेश ठुस हो गई है, उनकी टिकटें हो गई है वापसी। हार्दिक पांड्या की परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी दिखती नजर आई बॉलिंग की तरफ से भी, बैटिंग की तरफ से भी। उसके अलावा विराट कोहली जो सर है वो भी हमें चलते हुए थोड़ा बहुत नजर आए, और बहुत बेहतरीन सा मैच था। मैंने कल प्रेडिक्ट किया था 200 स्कोर, हाँ। और उसके पास पास पहुंच गए थे वो, एक 5 स्कोर मेरे ख्याल से रह गया। तो मेरे ख्याल से एक बहुत बेहतरीन सा मैच हमें देखने को मिला, और आगे ऑस्ट्रेलिया को है ये खतरे की घंटी है आज का मैच, और बहुत मुश्किल होगा ऑस्ट्रेलिया के लिए। हार्दिक पांड्या पकड़ा नहीं जा रहा, जसप्रीत बुमराह पकड़ा नहीं जा रहा, रोहित की कप्तानी नहीं पकड़ी जा रही, तो ये डिफरेंस है फ्रेंचाइज क्रिकेट में और इंटरनेशनल क्रिकेट में। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। जैसे कि आपको पता है आज इंडिया वर्सेस बांग्लादेश मैच है, जिस तरह इंडिया ने शानदार तरीके से बैटिंग की और विन किया मैच, क्या कहते हैं इसके ऊपर आप? यार सीधी सी बात है, आज के मैच का तो बड़ा मजा है। मतलब बांग्लादेश वो टीम थी जो यानी सुपर 8 में आई है, सारी टीमों को हरा के आई है, कुदरत के निज़ाम पे आई है, लेकिन आज तो बांग्लादेश का साथ कुदरत का निज़ाम ही नहीं चला। बांग्लादेश वाले दुआ कर रहे थे कि शायद बारिश हो जाए, लेकिन बारिश तो हुई कोई नहीं। बांग्लादेश को आगे से इंडिया मिल गई, इंडिया के सामने बांग्लादेश ने चलाकी भी खेली आज, उनको यानी कि टॉस की बांग्लादेश ने विन की, विन करके उन्होंने जी ऑप्शन ली जी हम बॉलिंग करेंगे, बॉलिंग उनके गए, वो कहते गले पड़ गई। देखो इंडिया के सामने आप बॉलिंग कर रहे हो, इंडिया बैटिंग कर रहा हो, तो वो छोटे मार्जिन से आपको स्कोर देगा, ये हो ही नहीं सकता। ऊपर से बांग्लादेश की बॉलिंग इंडिया के सामने, यार देखो 196 का टारगेट दिया है बांग्लादेश को, कहाँ से चेज हुआ इनसे, 135 में सारी टीम इनकी आउट हो गई है। ये बांग्लादेश की टीम का हाल है, मतलब इंडिया की टीम का मुकाबला करने जा रहे हो और आप उनसे इतना बड़ा टारगेट ले रहे हो। जब इतना बड़ा टारगेट मिलेगा तो आपकी तो वैसे भी हवा ठुस हो जाएगी। आज बांग्लादेश ठुस हो गई है, उनकी टिकटें हो गई है वापसी की, ठीक है, वो आप वापस जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता बांग्लादेश आगे टॉप फोर के अंदर जाएगी, टॉप फोर में तो इंडिया मुकाबला करेगी ऑस्ट्रेलिया के साथ, उनको मारेगी इंडिया, देख लेना। या भी ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का टाकरा होना पड़ा, एक तरफ ऑस्ट्रेलिया एक तरफ इंडिया, जैसे इंडिया टीम परफॉर्म कर रही है और वो खेल रही है और जीत रही है ना, मुझे तो ऑस्ट्रेलिया की भी गले पड़ जाएगी। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हार्दिक पांडे, विराट कोहली, बकाया जितने भी खिलाड़ियों ने आज कमाल की बैटिंग की, क्या कहते उसके ऊपर? यार सीधी सी बात है, आज तो हार्दिक पांड्या ने कमाल ही कर दिया ना। मतलब जैसे मैच स्टार्ट हुआ, रोहित शर्मा आया, रोहित शर्मा ने आके 23 स्कोर कर दिए अपने अपने इनिंग खेल के, आउट हो गए। विराट कोहली आया, विराट कोहली का ही बल्ला खुला है आज, तो विराट कोहली ने बता दिया, विराट कोहली का ही मैच, 37 गोल मारा चाहे विराट कोहली ने, लेकिन बल्ला खोल दिया उस बंदे ने। और इसके बाद जैसे शिवम दुबे आया, उसने भी यार कमाल कर दिया, 34 रन की इनिंग खेली। जबकि पांड्या जैसे खड़ा हुआ, पांड्या वाकई ही बेहतरीन फिनिशर है, कहाँ पर आपकी पाकिस्तान टीम के अंदर कोई ऐसा फिनिशर, उसने देखो पांड्या एंड तक खड़ा है, लास्ट बॉल के अंदर चौका मार के गया, 50 स्कोर किया पांड्या ने। यह है पांड्या जो आपको यानी कि जिसको बातें करते थे, जलील करते थे, आज पांड्या ने बता दिया कि पांड्या कायम है, पांड्या दाइम है, पांड्या के सामने जो से भी प्ले बॉलर आए, चाहे बैट्समैन आ जाए, जो मर्जी आ जाए, वो उसकी विकटें भी लेगा, उड़ाएगा भी। आज यह मुझे सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग चीज़ लगी है वो लगी कुलदीप यादव की, इंडिया की बॉलिंग नो डाउट कोई ना कोई सरप्राइज ही देती है। आज भी इंडिया ने सरप्राइज दिया, कुलदीप यादव ने 3 विकटें ली हैं। यार ये पता नहीं कहाँ से पैदा हो जाते, कभी सिराज 3-3 विकटें ले जाता है, कभी भी बुमराह 3-3 विकटें लेता है, आज लास्ट मैच के अंदर अर्शदीप ने 3 विकटें ली है, आज कुलदीप 3 विकटें ले आ गया। मतलब अगर यह इंडिया की बॉलिंग लाइन जितनी उनकी बैटिंग लाइन टफ है उससे ज़्यादा तो इनकी बॉलिंग लाइन टफ है, कोई भी टीम आती है उनके बड़े अच्छे उनकी इंडिया की बॉलिंग लाइन उड़ा रही है। पाकिस्तान के खिलाफ भी देख लो, बांग्लादेश के खिलाफ देख लो, आप अफगानिस्तान के खिलाफ देख लो, इंडिया की बॉलिंग लाइन ने ही उनका बिरागढ़ किया। नो डाउट इंडिया की बॉलिंग लाइन इस टाइम T20 की सबसे बेहतरीन बॉलिंग लाइन है। ऑस्ट्रेलिया जब सामने आएगी ना उसकी टांगें कांपेंगी बांग्लादेश के सामने। अभी तक इंडिया ने तकरीबन T20 के वर्ल्ड कप के सब मैच जीता जा रहा है, क्या लगता है बाकी मैच में इंडिया जीत के वर्ल्ड कप ले जाएगा? यार इंडिया ने 5-5 मैचेस की स्ट्रीक लगा ली है, तो आगे लगता है आपको नहीं लगाएगा? ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी मैच जीतेगा, 6 की स्ट्रीक हो जाएगी, आगे जाके वो टॉप 4 के अंदर जाके भी स्ट्रीक लगाएगा। मतलब इंडिया इस टाइम स्ट्रीक लगाने के लिए आया, और सारी टीमों के को जो इंडिया को ना इंडियन टीम ने इंडिया की आवाम को भी आदत डाल दी है स्ट्रीकों की, और खुद भी स्ट्रीकों की अपने आप को आदत डाल दिया। इंडिया नो डाउट अनबीटेबल है, और इसके सामने जो भी टीम आती है वो रोके जाएगी। और जैसे इंडिया परफॉर्म कर रहा है ना इस T20 वर्ल्ड कप के अंदर, तो चाहे इंडिया ने पाकिस्तान को हराया, उन्होंने अफगानिस्तान को हराया, आज बांग्लादेश को हरा लिया, ऐसे ही इंडिया आपको ऑस्ट्रेलिया को हराता नजर आएगा। जो भी टीम सामने आएगी वो रोके जाएगी और जलील होके जाएगी इंडिया के हाथों। आपको पता है कि आज इंडिया वर्सेज बांग्लादेश मैच था, जिस तरह इंडिया ने शानदार बैटिंग के साथ शानदार
बॉलिंग के साथ मैच विन किया, क्या कहते हैं इसके ऊपर आप? मैं तो पहले इसको मैच नहीं कहना चाहूँगा, ये सिर्फ प्रैक्टिस थी इंडिया की ऑस्ट्रेलिया के मैच के लिए तैयारी करने के लिए। तो फिर भी वैसे आज मज़ा आया देखने का मैच को, क्योंकि हमें हार्दिक पांड्या की परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी दिखती नज़र आई, बॉलिंग की तरफ से भी, बैटिंग की तरफ से भी। उसके अलावा विराट कोहली जो सर हैं वो भी हमें चलते हुए थोड़ा बहुत नज़र आए, और बहुत बेहतरीन सा मैच था। मैंने कल प्रेडिक्ट किया था 200 स्कोर और उसके पास पास पहुँच गए थे वो, एक 5 स्कोर मेरे ख्याल से रह गया। तो मेरे ख्याल से एक बहुत बेहतरीन सा मैच हमें देखने को मिला, और आगे ऑस्ट्रेलिया को है ये खतरे की घंटी है आज का मैच, और बहुत मुश्किल होगा ऑस्ट्रेलिया के लिए। बिल्कुल इसी तरह ऑस्ट्रेलिया के लिए मुश्किल होगा। अभी देखें T20 वर्ल्ड कप के 5वां मैच इंडिया ने फ्री रखी है, पांचों के पांचों जीत गया। आपने देखा 2023 वर्ल्ड कप के अंदर सब के सब इंडिया मैच जीत रहा था, 2024 में भी सब के सब जीत रहा है। तो क्या लगता है बकाया मैच जो रह गए हैं वो भी आराम से इंडिया विन कर लेगा? टोटल 7 के 7 मैच जो हैं ये इंडिया ही अपने नाम करेगा और अनबीटेबल जाएगा। और मुझे तो इंडिया जो है इस टाइम वर्ल्ड कप उठाता हुआ अभी नज़र आ रहा है, दुनिया भी देखेगी, आप भी देखेंगे, क्योंकि मुझे ऐसी कोई टीम नज़र नहीं आ रही जो इंडियन प्लेयर्स को बीट कर सकती है, या ऐसे कोई प्लेयर्स नहीं मुझे नज़र आ रहे जो बुमराह को खेल सकते हैं, जो हार्दिक पांड्या को खेल सकते हैं, कोई प्लेयर मुझे नज़र नहीं आ रहा। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अगर बात की जाए तो लोग कह रहे हैं कि शायद ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम है जो इंडिया को हरा सकती है, लेकिन मैं बात करना चाहूँगा कि इंडिया ऐसी टीम है जो ऑस्ट्रेलिया को हराएगी और हरा सकती है, और बहुत बेहतरीन सा एक सिनेरियो बन रहा है। और पूरी टूर्नामेंट की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ एक टीम ही नज़र आ रही है, वो टीम इंडिया। अच्छा, रीज़न क्या है टीम इंडिया दिन ब दिन ऊपर से ऊपर जाती जा रही, टीम पाकिस्तान पीछे से पीछे आती जा रही है? मसला ये है कि वो अपने टैलेंट के साथ बेईमानी नहीं करते, वो मौका देते हैं अच्छे लोगों को, यहाँ जो खेलने वाले लोग हैं, ऐसे नहीं कि वो पर्ची सिस्टम पे आ रहा है, कोई सिफारिश सिस्टम पे आ रहा है। तो अब इसी बात से अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तानी जो टीम है उसमें 2 प्लेयर गए, उसके बाद सारे समझ लो ऐसे जैसे बतखों की तरह नहीं पीछे जा रहे, बिल्कुल इसी तरह का। और अगर इंडिया के विराट कोहली और रोहित शर्मा, जिनका मतलब एक बहुत बड़ा नाम है, वो चले भी जाते हैं, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि मतलब पीछे कोई ऐसा प्लेयर नहीं है हमारे पास, 10 के 10 प्लेयर सारे खेलने वाले हैं और सितारे हैं। पता है आज इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का मैच है, जिस तरह इंडिया ने शानदार बैटिंग के साथ मैच विन किया, क्या कहते हैं इसके ऊपर आप? यार इंडिया ने जिस तरह से आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करती आ रही है, सिर्फ आज का मैच नहीं, आप अफगानिस्तान के मैच देख लो, उससे पहले पूल मैचेस देख लो, टीम इंडिया जो है परफॉर्म करती आ रही है। तो आज का मैच मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत बड़ा मैच था। हाँ, लोग कह रहे थे कि अपसेट होगा, बांग्लादेश टफ टाइम देगा इंडिया को, लेकिन वो सारा उन्होंने देख लिया कि कितना वो टफ टाइम देगा। इसी तरह ही है, तो कहने का मकसद ये है कि टीम इंडिया जिस मोमेंटम के साथ जा रही है, इस टाइम इंडिया को रोकना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आज की बात करें हार्दिक पांडे, विराट कोहली और जितने भी पंडित की बात करें, अच्छा स्कोर मारे हैं, देखा हार्दिक पांडे ने 50 स्कोर मारा, तो क्या रीज़न है, क्या कहना चाहते हैं इसके ऊपर आप? यार देखो, वो परफॉर्म कर रहे हैं, देखो उन्होंने बता दिया कि फ्रेंचाइज क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट में कितना फ़र्क है, ठीक है। आप देखो, यही हार्दिक पांड्या जो IPL में फ्लॉप होता आया था, मुंबई इंडियंस को इसने जो है मेरे ख्याल से एलिमिनेट करवाया, रोहित शर्मा भी नहीं चले, उसके बाद जसप्रीत बुमराह भी कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं दे सके, लेकिन जब वो लोग एक नेशन बन के खेलने आए हैं यहाँ पर T20 वर्ल्ड कप, तो आज हार्दिक पांड्या पकड़ा नहीं जा रहा, जसप्रीत बुमराह पकड़ा नहीं जा रहा, रोहित की कप्तानी नहीं पकड़ी जा रही। तो ये डिफरेंस है फ्रेंचाइज क्रिकेट में और इंटरनेशनल क्रिकेट में। अभी तकरीबन 4-5 मैच इंडिया ने खेले T20 वर्ल्ड कप के अंदर, अभी तक कोई मैच नहीं आ रहा, 2023 वर्ल्ड कप उठा के देने कोई मैच नहीं आ रहा, क्या लगता है फिर इसी तरह टीम इंडिया बकिया जो T20 वर्ल्ड कप के मैच रह गए वो भी जीत जाएगा आराम से? डेफिनेटली टीम इंडिया जो है एक बार फिर जो है विनिंग स्ट्रीक के साथ जाएगा, इस टूर्नामेंट के फाइनल तक जाएगा, और इन मुझे उम्मीद है पूरी पूरी कि इंडिया जो है इस दफ़ा फाइनल विन करेगा, विनिंग स्ट्रीक के साथ करेगा। रीजन क्या, टीम इंडिया आगे दिन ब दिन आगे निकलता जा रही, टीम पाकिस्तान पीछे आती जा रही है। पाकिस्तान पीछे क्या, पाकिस्तान तो वापस पाकिस्तान आ गई भी है, हम लोग तो पाकिस्तान टीम तो सर इस टाइम उस मुकाम पे है कि उसको मतलब के फिनिश कर दें, पूरी दुनिया ये कह रही है, मतलब पूरी दुनिया का हमारे पाकिस्तानी वहाँ मांग हमारी पाकिस्तानी वहाँ मांग चुकी है जो उन्होंने परफॉर्म कर दिया इस दफ़ा। तो इंडिया ने सर देखिए हर चीज़ को अडॉप्ट किया, एक टाइम था इंडिया कहा जाता था इंडिया के पास बॉलिंग नहीं है, इंडिया ने अपने बॉलिंग पे काम किया, बैटिंग वैसी उसकी नंबर वन है, फील्डिंग वैसी उसकी नंबर वन रही है। तो आप इस तरह से देखें ना, जब इंडिया ने अपनी बैटिंग और बॉलिंग को इम्प्रूवमेंट किया और मर्ज किया उसको, तो नंबर वन टीम बन के निकली है सामने। जिस तरह इंडिया की परफॉर्म फिल वक्त जा रही है, क्या लगता है ये वर्ल्ड कप ले जाएगा? मैंने आपको पहले बताया कि इंडिया वर्ल्ड कप जीतने वाला है, आप एक क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं मेरे से बात? ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच होने जा रहा है, फिर वो तो हार्ड लगता है, नो डाउट ऑस्ट्रेलिया एक स्ट्रॉन्ग टीम है, हम इजी तो उसको नहीं ले सकते। और जिस तरह से इंडिया ने क्या कहते हैं अपना हिसाब किताब रखा हुआ है ना ऑस्ट्रेलिया के साथ, चाहे वर्ल्ड चैंपियनशिप का हो या रिसेंटली ओडी वर्ल्ड कप का हो, तो मेरा ख्याल है कि इस दफ़ा इंडिया जो है मात देगा ऑस्ट्रेलिया को। इंडियन